गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस थर्ड पार्ट ऑफ योर लेसन द लंच फ्रॉम योर इंग्लिश फेरी बुक। दिस चैप्टर इज प्रिपेयर्ड फॉर स्टैंडर्ड 7th। यू लुक फ्रॉम द पेज नंबर 94। देन केम द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक, तब पीने की बात आई। आई नेवर ड्रिंक एनी थिंग फॉर लंचन, शी सेड। वह कही कि मैं लंचन के अलावे और कोई चीज़ पीना पसंद नहीं करती हूँ। नाइदर डू आई, आई आंसर प्रॉम्प्टली। मैंने अतिशीघ्र जवाब दिया, मैंने अतिशीघ्र रिप्लाई दिया। What would you like? I ask hospitable still। और मैंने पूछा कि आतिथ्य सत्कार करते हुए कि आपको क्या चीज़ पसंद है। But not exactly effusive। लेकिन मैं अपने आप को कृतज्ञतापूर्वक उसके प्रति अपनी श्रद्धा भाव जताते हुए मैंने उससे पूछा। शी गेव मी अ ब्राइट एंड एमिकेबल फ्लैश ऑफ हर वाइट टीथ। और वह अपनी उजली जो दांत थी, उसने उजली अपनी दांतों का सहारा लेते हुए मुस्कुराते हुए और अपने चमकीले चेहरे को मेरे तरफ दिखाते हुए बड़े मित्रतापूर्वक उसने मेरे हॉस्पिटेबिलिटी को स्वीकार किया। माई डॉक्टर वॉन्ट लेट मी ड्रिंक एनीथिंग बट शैम्पेन। वो कहती है कि मेरा डॉक्टर जो है मुझे ड्रिंक लेने से मना किया है, लेकिन कहा है कि आप शैम्पेन ले सकती हो। ठीक है, शैम्पेन जो है फ्रांस की एक शराब है, फ्रांस की मदिरा है शैम्पेन, जो कि काफ़ी महंगा होता है। आई फैंसी आई टर्न अ ट्राइफल पेल। मैं थोड़े देर के लिए कल्पना की दुनिया में डूब गया और मेरी जो चेहरे थी वो बिल्कुल उदास हो गई। मैं बिल्कुल उदास हो गया। मैं अपने बजट को लेकर काफ़ी चिंतित था। आई ऑर्डर हाफ अ बॉटल। मैंने आधे बॉटल की शैम्पेन लाने के लिए इजाज़त दिया। आई मेंशनड कैजुअली दैट माई डॉक्टर हैड एब्सोल्युटली फॉरबिडन मी टू ड्रिंक शैम्पेन। और मैंने कहा कि मेरा डॉक्टर जो है, मेरा चिकित्सक, तो मुझे पूर्ण रूप से शैम्पेन लेने के लिए मना किया है। शैम्पेन जो है वो फ्रेंच वाइन है और ये काफ़ी महंगा होता है। ठीक है, और आर्टिस्ट को मात्र 80 फ्रैंक्स पैसे ही मिलते हैं, प्राप्त होते हैं अपना एक महीना बिताने के लिए। अब यहाँ पर आर्टिस्ट जो हैं वो फोएट जैसे रेस्टोरेंट में आए हुए हैं, जहाँ पर पेरिस के बड़े बड़े जो सीनेटर्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वे लोग आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि महंगा रेस्टोरेंट है, तो एक छोटा भी अगर फूड आइटम होगा, इटेबल आइटम होगा, तो वो भी महंगा ही होगा। ठीक है, वाट आर यू गोइंग टू ड्रिंक दैन, तब तुम क्या पीने जा रहे हो। उसने कहा वाटर। सी एट द कावियार एंड सी एट द सैलमोन। वो कावियार भी खाई, सैलमोन भी खाई। सी टॉक्ड गेली ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड म्यूजिक। वो संगीत, साहित्य और कला की जो नज़ाकत है
जो उल्लासता है, जो जो कला की उल्लास पूर्वक जो कड़ी है, उसके बारे में अब वो बात करने लगती है। यहाँ पर आर्टिस्ट को पूर्ण रूप से किसी अदर ऑब्जेक्ट्स के तरफ टर्न करती है, मोड़ती है। When my mutton chop arrived, she took me quite seriously to task. जब मेरा मटन चॉप आया तो वो निश्चित रूप से देखी मेरे मटन चॉप को। आई सी दैट यू आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग अ हैवी लंच। तो वो देख कर बोली कि मुझे लगता है कि तुम ये मटन चॉप, जो कि एक हैवी लंचन है, ये खाने के तुम आदि हो, यानी तुम अभ्यस्त हो, तुम शौकीन हो। वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल एंड जस्ट ईट वन थिंग। तुम मेरा अनुकरण क्यों नहीं करते हो? मैं तो बस एक ही चीज़ खाती हूँ, मेरा लंचन कोई बहुत अधिक नहीं है। आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग आई शेड। मैंने कहा कि देखो भाई, मैं तो एक ही चीज़ खाता हूँ। एज द वेटर केम अगेन विद द बिल ऑफ फेयर, एक बार फिर वेटर जो है वो अपने बिल के साथ वहाँ उस टेबल पर पहुँचता है जहाँ पर ये दोनों खाना खा रहे होते हैं। She waved him aside with an airy gesture. वो अपना एक हवा हवाई जो हाव भाव है वो दिखाते हुए इशारा करती है। No, I never eat anything for lunch. मैं लंचन के अलावा और कुछ नहीं खाती हूँ। Just a bit. I couldn't possible eat anything more unless they had some of those giant asparagus. कहती है कि मैं तो बस एक ही चीज़ खाती हूँ, लेकिन अगर कभी कभी बड़े बड़े मुझे asparagus अगर मिल जाते हैं तो asparagus भी मैं खा लेती। asparagus जो है वो ठंडे प्रदेशों में पाई जाने वाली एक प्रकार की सब्जी है, उसी को एस्परेगस कहा जाता है। आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग समथिंग। मुझे काफ़ी दुख हुआ। आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम। आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम। कहा कि अगर उन सभी चीज़ों को हम अगर नहीं खाएं, सैलमन हम नहीं खाए, कावियार हम नहीं खाए, शैम्पेन जैसा मदिरा हम नहीं पिए, तो फिर पेरिस आने का मज़ा ही क्या है? पेरिस आने का कोई दुख नहीं बनता है। माय हार्ट सैंक, एक बार फिर मेरा हृदय बीट करने लगा, धड़कने लगा। आई हैड सीन देम इन द शॉप एंड आई न्यू दैट दे वर हॉरिबली एक्सपेंसिव। मैंने दुकान के तरफ देखा, उन आइटम्स को देखा, और उन आइटम्स को जब मैं देखा तो मैं बिल्कुल भयभीत हो गया, क्योंकि जितने भी आइटम थे सबके सब महंगे थे। मैडम वांट्स टू नो इफ यू हैव एनी ऑफ दो साइंट एस्पेरेगस। और आई आस्क द वेटर, मैंने वेटर से कहा। अब आर्टिस्ट जो है वेटर से कहता है कि देखो भाई, मैडम को एस्पेरेगस चाहिए, एक बड़ा एस्पेरेगस चाहिए, आप उससे लाकर दे दो। मैं पहले ही बताया, एस्पेरेगस जो है वो ठंडे प्रदेशों में पाई जाने वाली एक प्रकार की सब्जी है। यहाँ पर उस लेडी जितने भी आइटम्स की डिमांड करती है, वो सभी आइटम्स जो हैं वो मौसम के प्रतिकूल हैं, जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, जो काफ़ी महंगे होते हैं।
आई ट्राइड विद ऑल माई माइट टू विल हिम टू से नो, लेकिन मैं अपनी इच्छाओं को खुलकर उसके सामने व्यक्त नहीं कर पाया कि मेरे पास पैसे कम हैं, मैं उतना खर्च नहीं कर पाऊँगा। अ हैप्पी स्माइल स्प्रेड ओवर हिज ब्रॉड फेस, और उसका जो चेहरा था उसके ब्रॉड चेहरे पर, उसके बड़े चेहरे पर हमेशा खुशी और प्रसन्नता छाई रहती थी। एंड ही एश्योर्ड मी दैट दे हैड सम सो लार्ज सो स्प्लेंडेड सो टेंडर दैट इट वॉज मार्वल, और उस वेटर ने मुझे आश्वस्त किया कि बड़ा शानदार मुलायम एस्परेगस है। आई एम नॉट इन द लिस्ट हंगरी माई गेस्ट साइट, और मेरा गेस्ट ऐसा मतलब हाव भाव बनाया, यानी वो लेडी ऐसी हाव भाव बनाई जैसे लगती थी कि वो तो भूखी है ही नहीं। बट इफ़ यू इंसिस्ट आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्परेगस, लेकिन वो कहती है कि मैं तो एक ही चीज़ खाती हूँ, लेकिन अब कोई अगर रिक्वेस्ट कर देता है इतने अगर प्यार से कहे तो फिर मैं खा लेती हूँ, मैं मना नहीं करती। तो आज बस इस पार्ट में इतना ही, और बाकी बातें हम पार्ट 4 में करेंगे। आई होप यू विल हैव गॉट दिस चैप्टर फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट्स। Thank you and have a good day. Take care.